हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों, ऋतिक रोशन नहीं नजर आएंगे विक्रम वेगा की हिंदी रिमेक में। जी हां, आपको पता होगा साल 2017 में एक फिल्म आई थी साउथ इंडस्ट्री में, जिसमें उनका नाम था विक्रम वेगा और उसका हिंदी रिमेक बनने वाला था बॉलीवुड में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी कुछ ही महीनों पहले की गई थी और उसमें ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा था कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ऋतिक रोशन ने अब इस फिल्म को करने से मना कर दिया है और उसका कारण है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। बताया जा रहा है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक वेब सीरीज ऋतिक रोशन ने साइन की है, जिसके बाद उन्होंने विक्रम वेगा का हिंदी रीमेक में काम करने से मना कर दिया है। और खबर थी कि सैफ अली खान इसमें एक पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे, तो उनके बारे में जब खबर आई थी उसके तुरंत 2-3 दिन बाद ही ये साफ हो गया था कि इस फिल्म में जो पुलिस वाले का रोल है वो सैफ अली खान ने भी छोड़ दिया था। और अब जो खबर आ रही है कि विलन के रोल के लिए ऋतिक रोशन को इस फिल्म में लिया गया था, अब ऋतिक ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। तो ऐसा बहुत फिल्मों के साथ होता है, बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक वो अपनी फिल्म का काम शुरू नहीं कर देते तब तक उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बंदा इस फिल्म का काम करेगा भी या नहीं, बीच में ही छोड़ के चल जाएगा। ऐसे ही ऋतिक रोशन ने किया, विक्रम वेगा का काम शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। डेट्स ना होने का उन्होंने हवाला दिया है कि मेरे पास डेट्स नहीं है और भी काफ़ी फिल्में मेरे पास, इसीलिए मैं इस फिल्म को नहीं करने वाला। और ये जो रिपोर्ट है पिंक वेला की तरफ से निकल के आई थी, तो अब देखना हो कि विक्रम वेगा का हिंदी रीमेक कब तक शुरू हो पाता है और कौन ऋतिक रोशन की इसमें जगह लेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।